फातिमा बेटे हो गए डिवीजन के सारे सवाल हो गए। मम्मा क्या है, रोजी रखो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो या पूरा दिन ये बैठ के पढ़ते रहो? कहाँ है अब वजीर तालीम? वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे। मदीने की रियासत में होमवर्क मिलता था, वो भी इतना, और वो भी रमजान के महीने में। उफ़ल्ला, इसीलिए तो मैं कहती हूँ खूब पढ़ो लिखो, बड़ी पॉलिटिशियन बनना, फिर वजीर तालीम बन के सिस्टम ही चेंज कर देना। मम्मा, पॉलिटिशियन बनने के लिए कौन सा पढ़ना पड़ता है? या तो कोई क्रिकेटर पॉलिटिशियन बन जाता है, या तो कोई ज्यादा से ज्यादा एक्टर पॉलिटिशियन बन जाता है, या तो कोई बीए की नकली डिग्रियों वाले मेजॉरिटी पॉलिटिशियन बन जाते हैं। इसके लिए पढ़ना पढ़ना नहीं पड़ता। क्यों, ये जो इतने सियासत में डॉक्टर्स हैं। मम्मा, ये डॉक्टर्स भी कोई असली वो टीके वाले डॉक्टर्स नहीं है, इन्होंने यूनिवर्सिटी से एजाजी डिग्रियां ली होती हैं। मैं भी आपको एजाजी डिग्री ला के दूंगी। जी नहीं, मुझे एजाजी डिग्री नहीं चाहिए, मैं तुम्हें असल डॉक्टर बनाऊंगी। मम्मा, मैंने नहीं कोई डॉक्टर वॉक्टर बनना, मैं तो पॉलिटिशियन बनूंगी, पॉलिटिशियन। मम्मा, मेरे ना हर गली में पोस्टर्स लगे होंगे और लोग नारे लगा रहे होंगे, फातिमा दे नारे वजन के, फातिमा दे नारे वजन के। मैं आपको बुलेट प्रूफ काली गाड़ी में अपने साथ जलसों में लेके जाऊंगी और छत से निकल के ऐसे ऐसे हाय करूंगी, ऐसे हाथ हिलाते हुए ना गोली आ जाती है कहीं से। मम्मा, आपने सारा मेरा ख्वाब खराब कर दिया। हम ना घर से कैमरा लेके निकलेंगे और आपने एक गरीब सी औरत बन के ऐसे चादर उड़ के ना आना, और मैं आपको ना ऐसे आटे की बोरी देते हुए ऐसे शाहरुख खान स्टाइल में पिक्चर खिंचवाऊंगी। और मैं क्या बनी होंगी? आप गरीब सी औरत, और तुम ऐसे पॉलिटिशियन बन के तस्वीर के मुझे आटा दे रही होगी। हाँ। फातिमा, मेरा जूता पकड़ाना, मेरा जूता पकड़ाना जरा। कहाँ है मेरा जूता? खुद पॉलिटिशियन बन गई।